नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। आज यानी कि 20 फरवरी दिन मंगलवार को मध्य प्रदेश की मंडियों में लहसुन क्या रेट बिका और कितनी अराइवल देखने को मिली, नीमच मंडी में क्या हाल रहा, इसके साथ उज्जैन की मंडी क्या कहती है, कोटा की मंडी क्या कहती है, और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंदौर की मंडी इस समय पर क्या बता रही है, कितनी अराइवल्स रही। एक साथ हमारे ये संवाददाताओं की जो रिपोर्ट है वो हम आपको देश की सभी मंडियों की लहसुन की जानकारी एक साथ दिखाने जा रहे हैं। हालांकि आज जो इनपुट निकल करके आया उसमें तेजी देखने को मिली, कुछ मंडियों में भाव 20,000 रुपए तक गया और नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे के अंदर में हमने भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल के भी देखे। सोमवार को यानी कि 19 फरवरी को भी हमने बाजारों को सुधरते हुए देखा और 20 फरवरी को एक बार पुनः हमने बाजारों के अंदर हल्की बढ़त आते हुए देखी। मानना यह है जानकारों का कि इस वक्त ठीक है, तेजी जरूर एक मोमेंटम दोबारा पकड़ा है, लेकिन किसानों को हर तेजी के अंदर अपना माल निकालना चाहिए, ऐसा मार्केट टाइम्स टीवी की रिसर्च रिपोर्ट कहती है। और मैं आपसे यहां पर यही कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे तेजी आती है, क्योंकि जो भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपसे यही कहा था, थोड़ा थोड़ा माल अब निकालना शुरू करना चाहिए। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो 2024 है इसमें भी हम लहसुन की कीमतों के अंदर इजाफा देखेंगे, एक अच्छा निर्यात हम होते हुए देखेंगे। बहरहाल एक नजर डाल लेते हैं देश की तमाम मंडियों पर जहां पर आज लहसुन की अराइवल देखने को मिली। अब हमारे संवाददाताओं के पास चलते हैं, जानते हैं कितनी आवक, किसानों ने क्या कहा, कारोबारियों ने क्या कहा। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी में मौजूद है और ये लहसुन मंडी है। यहाँ पर लहसुन की नीलामी हो रही है, प्रक्रिया जारी है, कुछ ढेर बिक चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये मीडियम साइज के देसी मीडियम लहसुन है। और किस भाव गई है, क्या है पूरा इसका भाव रहा है, किसान से ही बात करेंगे। भैया कहाँ से आए आप? धार जिला पाईकुंडा। क्या भाव गई है ये? 14,000। ये मीडियम साइज की? हाँ, मीडियम साइज की 14,000 गई। अभी क्या भाव मिल रहा लग रहा था आपको जब वहाँ से लेके आए, तो क्या उम्मीद थी? हाँ, कि यही 10-12-15 हज़ार बिक जाएगी। मतलब आपकी उम्मीद पे खराब भाव होता है ना? ठीक है भाव। अच्छा, आपके वहाँ धार जहाँ रहते हैं आप उस गांव में, तो वहाँ और भी किसान हैं क्या? उन्हें निकाल दी कि निकालनी बाकी? चल रहा है काम किसी का, किसी की निकली नहीं है, किसी की निकल भी गई है, किसी का काम चल भी रहा है। अच्छा, अभी जो मैं कह रहा था कि आप यहाँ लाए तो नीमच क्यों लाए? नीमच यहाँ भीड़ भी कम है थोड़ी अभी, धार से आने का किराया कन्वेंस। हाँ, रेट अच्छा बिकता है, मंडी बड़ी है। कुल मिला के नीमच मंडी में किसान को अच्छा भाव मिलता है, इसलिए आप यहाँ लेकर आए? तो ये धार जिले से किसान आए थे जिन्होंने बताया कि इस तरह का भाव उन्हें इन्होंने जो अपेक्षित था उतना इनको भाव मिला। और भी किसान हैं और नीलामी चल रही है, हम इस दौरान व्यापारी से भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या कहना है। और अब आप ये देख सकते हो कि ये मीडियम माल है, देसी, और एक किसान है जो इसको लेके आए, वो इसके अलावा ऊटी की लहसुन भी लाए हैं और ऊटी का फुलगोला मिक्स है वो, तो उनसे बात करेंगे कि वो कितनी लहसुन लाए हैं और क्या है पूरा मामला। एक मिनट भाई साहब, पहले तो नाम बताइए आप। मैं नंद किशोर कुमावत, बोरखेड़ी तालाब। ये क्या लेके आए हैं? ये लहसुन क्या? देसी लहसुन है। देसी लहसुन है क्या? मीडियम है? मीडियम है। क्या मीडियम भी है? अभी नीलामी हुई कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई नीलामी। क्या क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीद? तो क्या है, यही चल रहा है 13-15 तक जो भी मिल जाए भाव, तो बड़ी मंडी है तो कुछ कह नहीं सकते हैं इधर। अच्छा, आपके वहाँ पास में जावत मंडी भी है तो वहाँ नहीं लेके? वहाँ भी लहसुन? वहाँ भी चलता है ना मंडी? हाँ, वहाँ भी चलता है, लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ और यहाँ में कुछ कुछ फर्क है चलती है कुछ फर्क है 1,000-2,000 का फर्क है। अच्छा, फर्क है। एक और ढेरे अपन वो भी देखेंगे किस तरह का ढेरे क्या है। और ये देखिए, ये फुल गोला मतलब मिक्स है कुल मिला के, इसमें कुछ मीडियम, हाँ ये फुल गोला बड़े बड़े हो गए हैं और ये छोटा भी है, मीडियम भी है, कुल मिला के मिक्स वैरायटी है ये। और इस ये ऊटी की लहसुन है और मिक्स वैरायटी है।
हमारे साथ किसान ये बोरखेड़ी वाले ही हैं, तो इसका क्या उम्मीद है मिक्स का क्या? इसका तो ये सर 15 के ऊपर ही चल रहा है अभी। हाँ। और अभी तो हाल फर्स्ट निकाला है शुरू। अच्छा, तो अभी ये सूखी हाँ, नहीं है, गीली नहीं है और फर्स्ट छटाई हुई है अभी फर्स्ट। अच्छा। अभी हम लोग 10 से 15 दिन और लगेंगे इसको आने में। आपके बोरखेड़ी गांव में और कितने किसान होंगे जिनकी लहसुन बिक चुकी है या बिकने वाली है? मतलब लगभग 10 किसानों की बिक चुकी है और 50 किसानों की बाकी है लहसुन। अच्छा, जिन्होंने बेची उनको किस तरह का भाव मिला? उनको बहुत अच्छा भाव मिला 25 से 30 तक। अच्छा, पहले बेच दी? पहले बेच दी, क्योंकि वो उन्होंने क्या कि मतलब हावण वागी भाई नहीं। अच्छा, अभी ये जो भाव डाउन जा रहा है इसके पीछे कुछ कारण बता आपको? इसके पीछे तो यही है कि मतलब गीला माल आ रहा है और कुछ कच्चा माल भी आ रहा है, और किसान भाई अगर कच्चा माल लाएंगे तो व्यापारी क्या करेंगे, वो तो कम रेट में लेंगे ना। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को नॉलेज में आई कि जो माल की आवक ज़्यादा हो रही है जैसा। हाँ, वो भी फर्क पड़ता है। कच्चा भी हो रहा है, और एक चीज़ और भी है कि वो जो किसान आंदोलन हाँ, चल रहा है तो बॉर्डर सील है, तो जो व्यापारियों का माल है वो जा नहीं पा रहा है, तो इसलिए इसके भाव डाउन बता जा रहे थे। इससे नहीं, यहाँ पर भाव डाउन नहीं होते, यहाँ मंडी की है, मंडी समझ लो सबसे बड़ी मंडी यही है, मतलब 100 किलोमीटर के एरिया में, 200 किलोमीटर के एरिया में। यहाँ गेट लगेंगे तो व्यापारी को लगेगा कि बस माल ज़्यादा रहा है, तो वो धड़ाक से 5,000 कम कर देंगे। अच्छा, यूँ उनको लगेगा कि बस माल ज़्यादा है, तो वो 5,000 तो ऑलरेडी गेट लगे और 5,000 कम, और अभी गेट खुल रहे हैं, आज आवक नहीं है, आज आवक इतनी आवक नहीं। तो आज अनुमानित कितनी आवक लग रही होगी आपको? ये तो अनुमानित ज़्यादा नहीं है, 9-10 हज़ार के करीबन है, 10,000 क्विंटल करीब लहसुन कट्टे कट्टे। एक और किसान है लहसुन मंडी में, कहाँ से आए हैं, उनका माल कैसा है, पहले तो उनका माल दिखा दूँ। ये जो माल है इनका मिक्स है, और ये शंकर लहसुन है, शंकर लहसुन देसी है ना, तो देसी शंकर लहसुन है, और ये कुल मिला के छोटा माल है, मीडियम और उसके नीचे का भी माल मान सकते हैं अपन इसको। ये है पहले तो ये बताइए नाम क्या और कहाँ से आया है? बाबू जी, मेरा नाम मुरली सुरावत है, गांव बोरखेड़ा से आया हूँ मैं, और उम्मीद ऐसी है कि 15,000 के ऊपर बिक जाए तो बहुत बढ़िया बात है। शुरुआत की है, कर्जा बहुत मारते हैं भाऊ जी, जो बोली लगाने आते हैं ना, दिल का दौरा पड़ जाता है ईमानदारी से, ऐसा लगता है अटैक आने में, कुछ नहीं फर्क हो रहा है। हमारा भगवान अच्छा लहसुन चाहिए, भाव अच्छा जाना चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं हम, किसान लोग हैं। कच्चा माल नहीं है, बहुत पक्का हुआ माल है, और लोग कच्चा भी लाएगा क्योंकि भाव बहुत उतरने वाला है, इसलिए भाऊ जी बहुत टेंशन होती है हमारे किसान लोगों को। कुल मिला के किसान की जब नीलामी चलती है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, और उनको उम्मीद रहती है कि उन्हें उनकी उपज का अच्छा दाम मिले। आज 20 फरवरी मंगलवार को हम मंदसौर मंडी में खड़े हैं, और यहाँ व्यापारी से समझते हैं कि आज का जो मंडी का भाव है वो क्या रहा, खासतौर से लहसुन की जो मंडी है, और यहाँ जो व्यापारी हैं लहसुन क्या आज क्या भाव मिले हैं मंडी में? नीचे में 90 रुपये और ऊँचे में 18,000। अच्छा, कम से कम 90 रुपये क्विंटल, और ऊँचे में 18,000 रुपये तक ऊँटी बिकी है। ये देसी बिकी है 90 रुपये और ऊँटी बिकी है 18,000 रुपये। किस किस की वैरायटी की अपनी आज लहसुन आ रही है? ये अभी देसी लहसुन और ऊँटी लहसुन दोनों आ रही है। और 25,000 बोरी का आवा के आज का 25,000 बोरी का, तो अधिकतम क्या भाव रहा है? 18,000 रुपये ऊँचे में ऊँटी का, और कोई ढेर बिके है वो छुट मुट 20,000 रुपये, वो उसका कोई मायना नहीं, पर जनरल भाव अगर पकड़े चले तो ऊँचे में सबसे 18,000 रुपये। आज 1,000-2,000 की 1,000 रुपये डाउन है, कल 2,000 रुपये बढ़े हुए थे, आज 1,000 रुपये डाउन है। मंदसौर मंडी में लहसुन की नीलामी की जा रही है, और करीब करीब यहाँ जो लहसुन है वो नीलाम हो चुकी है, जिनकी नीलाम हो चुकी है। दादा कहाँ से आए? से क्या लेके आए थे? लहसुन बिक गई आपकी? लहसुन अभी बिकना बाकी है, बिकना बाकी एक लोड बिका है। एक लोड बिका, क्या भाव बिका है? 12,000 बिका है। अच्छा भाव आ रहा है क्या? हाँ, मतलब पिछले दिनों के तुलना करें तो अभी तो भाव डाउन ही है, अभी डाउन 4-5 हज़ार का डाउन दिख रहा है। अच्छा। जो लहसुन 22,000 बिकी थी, आज वो लहसुन करीब 14,000-15,000 के लगभग ही बिक रही है, आधा भाव हो गया है। हाँ, आधा। किसानों का कहना है कि जो लहसुन का है जो 15-20 दिनों में करीब आधा भाव हो गया है। कहाँ से आया? भलोट से। क्या ले गया है? लहसुन ही ले गया। क्या भाव बिक गया? ये अभी तो अभी बिकी नहीं है, बाद में आगे पड़ी है, बिक जाएगी। हाँ, क्या भाव चल रहा है मंडी पूछा के बाद? हाँ, वो थोड़ा बहुत अभी डाउन चल रहा है, अभी बड़ा है 2 दिन में भी। क्या लेके आए? सर लहसुन लेके आए। क्या भाव मिला? 11,800। अच्छा भाव मिला है? थोड़ा कम बिका। कम मिला? पहले अच्छा मिलता था। पहले अच्छा मिलता था। देसी लेके आए? देसी लेके आए। तो किसान जो है देसी लेकर लहसुन भी लेके आए, ऊँटी भी लेके आए। कहना है कि मतलब ये है कि पिछले 15-20 दिन पहले जो भाव किसानों को मिल रहा था, फिलहाल वो इतना भाव अभी मिल नहीं रहा है। अभी करीब करीब 10 से 12 हज़ार जो है जो लहसुन है वो डाउन जा रही है। आप दादा व्यापारी हैं? हाँ।
क्या भाव चल रहे हैं आज मंडी में, क्या लहसुन का भाव? 10 से लेके 22,000 तक। नीचे में कितना है सर? नीचे में 9,000 रुपए। अच्छा 9,000 रुपए है, ऊंचे में जो है 22,000 रुपए का बिकी है। आज भाव टाइट है या नहीं? कल वाले बाजार है, कल वाले बाजार है। तो व्यापारी कहना है कि जो कल जो भाव था वही भाव आज भी रहा हुआ है और करीब करीब 22,000 उच्चतम जो में है वो लहसुन की है यहाँ बिक रही है। नमस्कार, मैं हूँ नमन मटके और आप इस वक्त हैं चोहितराम सब्जी मंडी में, जहाँ पर अभी हम लहसुन की जो मंडी है उसमें खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लहसुन की जो आवक है वो लगातार जारी है। इन दिनों लहसुन के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसी बाजार में चर्चा है कि जो लहसुन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उससे लहसुन के जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा होता भी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ये जो चोहितराम सब्जी मंडी है ये सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है और यही कारण है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान अपने अपने फसल लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। लहसुन की फसल की बात की जाए तो लहसुन की फसल भी इंदौर के आसपास के जो जिले हैं वो वहाँ से जो है लहसुन की फसल आती है, फिर मंडी से जो है लहसुन की फसल यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में पहुँच जाती है। वर्तमान में यदि हम बात करें तो लहसुन के जो दाम है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कभी कभी दाम घटते भी हैं। आज के यदि हम दामों की बात करें तो आज 100 रुपए के आसपास से जो है लहसुन शुरू हुआ तो वहीं वो 180-200 रुपए के आसपास तक जो है वो जा पहुंचा, जिससे किसानों को फायदा होने की भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। यदि बात की जाए तो अब आने वाले दिनों में भी लहसुन के जो दाम है वो लगातार बढ़ेंगे और लहसुन के दाम बढ़ने से किसानों को जो है वो फायदा होता नजर आएगा। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी भी लहसुन के लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उससे खुश नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का स्पष्ट तौर पर एक मानना है कि लहसुन के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं फायदा होता नजर आएगा। किसानों से जब हमारी बात हुई तो किसानों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि लहसुन के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके पीछे की एक प्रमुख वजह यह भी है कि जितनी लागत हो रही है यानी जितनी जगह पर लहसुन बोई जा रही है, यानी मान लीजिए 15 बीघा में लहसुन बोई गई तो अब की बार जो लहसुन का उत्पादन हुआ, जो लहसुन सामने आई वो लगभग 8 बीघा या 10 बीघा में आई, तो कुल मिलाकर किसानों का मानना है कि लहसुन के कारण उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा है और जिस तरह से भाव जो बाजार में बताए जा रहे हैं वो नाकाफी भी वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि लहसुन के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन किसानों को नुकसान भी जो है वो उतना ही उठाना पड़ा है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं जितने भाव मार्केट में नजर आ रहे हैं उतना किसानों को फायदा होता नजर नहीं आ रहा। लहसुन की यदि हम बात करें तो लहसुन आने वाले दिनों में और तेजी होने की यहाँ पर संभावना किसान जता रहे हैं। किसानों का मानना है कि अब की बार उत्पादन कम हुआ है, इस कारण से लगातार जो है लहसुन के दाम भी बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में तेजी भी जो है वो लहसुन में के दामों में देखने मिल सकती है। ये चोहितराम मंडी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं लहसुन की मंडी है। यहाँ पर पीछे जो है वो लगातार किसान आ रहे हैं, अपने अपनी फसल लेकर के आ रहे हैं, व्यापारी जो है वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो लगातार दाम लगने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अलग अलग जगह से किसान आए हैं, सुबह से ही किसानों के आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया था और जो है अब देर तक यहाँ पर किसानों के आने का सिलसिला जारी है और किसानों के चेहरे पर खुशी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लहसुन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो उसकी खुशी भी जो है साफ तौर पर किसानों के चेहरे पर हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। इंदौर से आप क्या कहा? हाँ, कमल पाटीदार नाम है, बदनौर के पास गाँव है हमारा। लेके तो मैं लहसुन लेके आया हूँ। क्या भाव चल रहा है लहसुन? जैसा बाजार ऐसा भाव 8,000 से लगा के 15,000 तक है ऊंचे में, पर इस बार उत्पादन थोड़ा कम आया, 10 क्विंटल 11 क्विंटल। कौन सी क्वालिटी का लहसुन लेके? ये हमने लगाया था D4 है और वो G2 वेराइटी है, थोड़ा कम निकला। इस बार खर्चा भी ज्यादा हुआ, मौसम साथ नहीं दिया, कोहरा धुंधल बारिश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकी मंसूरी। क्या लेके आए? मैं आज लहसुन लेके आया हूँ। प्याज के ऊपर जो सरकार ने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है, इसका फायदा मिलेगा कुछ? मिलेगा ना सर। आज क्या दाम रहे प्याज? आज प्याज बिकी 24 रुपए से 23 रुपए, 18 रुपए, 19 रुपए तक। आने वाले समय में क्या बिकने की संभावना? 30 रुपए से ऊपर बिकेगी सर प्याज। आपने की प्याज की बोनी? जी, मेरे पास 1 बीघा से बढ़ गया। कौन सी किस्म का है? ये भी नासिक है। गर्मी वाली प्याज। अच्छा, एक्सपोर्ट घटा दिया तो उसका फायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा। इससे पहले हुआ था? हाँ, नुकसान हुआ ना, 10 रुपए 8 रुपए 5 रुपए प्याज बिकी। अब की बार फायदा होने की? हाँ, अब की बार कल से फायदा होने की वो लगी है। जितनी लागत लगती उससे ज्यादा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? हाँ, अभी तो गुंजाइश नहीं है, पर अभी तो घाटे का सौदा है, पर आगे जाके अगर हो सकता है फायदा मिले।
रिपोर्ट पसंद आई हो तो निश्चित तौर के ऊपर हम यही आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको लहसुन से जुड़ी और दूसरी फसलों से जुड़ी ताजा जानकारी मार्केट टाइम्स टीवी के ऊपर मुहैया हो और आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचे, नोटिफिकेशन पहुंचे, तो दिख रहे बेल बटन को भी आप दबाना ना भूलें।